नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राठौड़ सर ऑनलाइन क्लासेस पे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक बिल्कुल ही नया चैप्टर, डीप वाटर। और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह जो हमारे यंग विलियम डगलस है, वो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि विलियम डगलस जो है वो एक बच्चा है जो पहले अपने पिता के साथ में समुद्र के किनारे नहाने जाता है, तब एक बार वो डूब जाता है और दूसरी बार फिर वो जब स्विमिंग पूल में स्विमिंग सीखने के लिए जाता है तो वहाँ भी उसके साथ एक दुर्घटना घटित हो जाती है। उसको एक बड़ा सा जो बच्चा है वो उठाकर पानी के अंदर फेंक देता है। तो इसी के चलते वो जो बच्चा है वो लगभग डूब चुका होता है और अपनी सांसों को खो देता है। तो पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि जो विलियम डगलस है वो अपनी होशो हवास खो बैठता है और लगभग मर चुका है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप सिंह राठौड़ और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं डीप वाटर क्लास 12 फ्लेमिंगो पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें एवं बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे जो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक करें। तो देखिए, कल हमने देखा था कि पिछले वीडियो में कि वो लगभग डूब चुका था, तो जैसे ही वो डूबने वाला था उसको कोई निकाल के बाहर कर देता है। बाहर कैसे कर देता है कि द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल। और उसके बाद जो कुछ मुझे याद है, लाइंग का मतलब कि जो कुछ मुझे याद है कि आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक, मैं पेट के बल लेटा हुआ था बिसाइड द पूल, पूल के बगल में, बिसाइड द पूल वोमिटिंग, और मैं उल्टियां कर रहा था। वोमिटिंग का मतलब होता है उल्टी करना, उल्टी करना, वोमिटिंग। द चैप, चैप यानी वो लड़का, जो बॉय जो था, जिस लड़के ने दैट थ्रू मी वॉज सेइंग, जिसने मुझे फेंक दिया था, वो ये कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, कि मैं तो केवल इसको मूर्ख बेवकूफ बना रहा था या इसके साथ मैं मजाक कर रहा था। तो फूलिंग का मतलब होता है जोकिंग, तो मैं तो इसके साथ सिर्फ जोकिंग कर रहा था। समवन सैड, कोई उस किसी ने उससे कहा द किड नियरली डाइड, कि ये लड़का तो लगभग मर चुका है। नियरली डाइड का मतलब लगभग, बिल्कुल मरने के बिल्कुल करीब है। बट ऑल राइट नाउ, लेकिन अब ये ठीक है, लेट्स कैरी हिम टू द लोकर रूम, अब इसे उठाकर लोकर रूम में लेकर चलते हैं। देखिए, ये एक प्रोसेस होता है, इसको CPR कहा जाता है, कि जब भी कोई आपको भी अगर कभी ऐसी जरूरत पड़े या किसी भी व्यक्ति को जो अगर आपको पानी में डूबते हुए को बचाएं, तो बचाने के तुरंत बाद CPR देना जरूरी होता है। CPR में क्या होता है कि CPR में जो फेफड़ों में जो पानी चला जाता है उसको निकालने के लिए CPR दिया जाता है। साथ ही साथ अगर हृदय गति रुक जाए या सांस आदमी लेना बंद कर दे तो भी CPR दिया जाता है। तो इसके बारे में आप इंटरनेट पर आसानी से पढ़ सकते हैं। फिर सेवरल आवर्स लेटर, काफ़ी घंटे बीत गए, सेवरल आवर्स लेटर आई वॉक्ड होम, मैं अब उसका थोड़ा जब उसको होश आया तो वो पैदल चलकर अपने घर तक गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं जो था वो बहुत ही कमज़ोर था और कांप रहा था। ट्रेम्बलिंग का मतलब मैं कांप रहा था। आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माय बेड, और जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा तो मैं पूरी तरह से शुक, शुक का मतलब हिल चुका था, मतलब अंदर से वो पूरी तरह हिल चुका था, और मैं रोने लगा। व्हेन आई ले ऑन बेड, जब मैं बिस्तर के ऊपर लेटा, आई कुडंट ईट दैट नाइट, और उस रात मैं ढंग से खाना भी नहीं खा पाया। फॉर डेज ए हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, और कई दिनों तक एक डरावना जो डर, हॉन्टिंग का मतलब होता है जो डराता है, हॉन्टिंग का मतलब होता है कि जो फियरफुल, यानी कि बहुत ही ज़्यादा, जैसे भूत वक्त प्रेत आप देख लेते हो तो उसके बाद जो आपकी उस कपकपी छूट जाती है उसे हम हॉन्टिंग कहें। और कई जो जगह भी ऐसी होती है, भूतिया जगह भी, जिन्हें हॉन्टेड प्लेस भी कहा जाता है, तो हॉन्टिंग का मतलब होता है अत्यंत डरावना, अत्यंत डरावना। और जैसे हॉन्टिंग मूवी भी होती है, हॉन्टेड मूवी भी होती है, तो वो जो डर था वो मेरे दिल में बैठ चुका था। द स्लाइटेस्ट एग्जर्शन अपसेट मी,
और थोड़ा सा भी जो एग्जर्शन है, यानी कि थोड़ा बहुत भी अगर मैं काम कर लेता था, या थोड़ी बहुत भी जो मेहनत थी, या कोई काम को थका, तो वो मुझे थका देती थी। मतलब थोड़ी सी हल्की सी भी मेहनत से मैं थक जाता था और वो मुझे अपसेट कर देता था। अपसेट कर देता था मतलब मेरा मूड ऑफ हो जाता था, मेकिंग मी वॉबली इन द नीज, मेरे जो घुटने जो थे वो कांपने लग जाते थे। मैं वॉबली का मतलब होता वीक यानी कमजोर, तो मैं घुटनों अपने घुटनों में एक कमजोरी महसूस करता था, एंड सिक टू माई स्टमक, और मेरा जो पेट भी खराब हो जाता था, मतलब उसको बार बार उल्टी आने लग जाती थी। वो हल्की सी भी मेहनत कर लेता था तो उसके घुटने कांपने लग जाते थे, उसको उल्टियाँ आने लग जाती थी, उसका पेट खराब हो जाता था। ये सब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया था, मतलब उसको एक तरह से उसका फोबिया हो चुका था। आई नेवर वेंट बैक टू पूल, और उस दिन के बाद मैं कभी भी पूल पर वापस नहीं गया, यानी कि हमारे जो राइटर था उसने स्विमिंग सीखना छोड़ दिया। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से डर लगने लगा था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, और जहाँ कभी भी मैं पानी की बात चलती चलता या कहीं ऐसी जगह जाने की बात चलता कि भाई चलो वहाँ पे पानी है वहाँ चलते हैं, तो मैं इस चीज़ को मैं अवॉइड करने लगा था, मैं बचने लगा था, मैं ऐसी जगहों पे जाने में बचने लग गया था जहाँ पे पानी होता है, और जब कभी मुझे इस वहाँ पे जाने का मौका मिलता तो मैं उसको अवॉइड ही करता था। एज फ्यू ईयर्स लेटर, और कुछ सालों पश्चात, वेन आई केम टू नो द वाटर ऑफ कैस्केड्स, और कुछ सालों बाद जब मुझे झरना, कैस्केड का मतलब होता है झरना, झरनों, अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसकी जो क्यूरियोसिटी या एनवायरनमेंट को देखने की इच्छा बढ़ जाती है, तो जब उसने कैस्केड्स के बारे में जाना, झरनों के बारे में जाना, तो वो आई वॉन्टेड टू गेट इन टू देम, मैं भी वहां जाना चाहता था, उन झरनों में विजिट करना चाहता था, लेकिन जो पानी का जो डर था वो हमेशा मुझे रोक लिया करता था। आगे देखिए, एंड वेन एवर आई डिड, और जब कभी मैंने ऐसा किया, वेदर आई वॉज वेडिंग, वेडिंग का मतलब होता है छप छप करना, वेडिंग का मतलब होता है जैसे पानी में हम छप छपाते हैं ना, पानी में पैर डाल के, और इसे वेडिंग कहा जाता है। तो जब वेन एवर वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर, ये देखिए वहाँ की, ये अमेरिका की नदियों के नाम है, टाइटन है, बम्पिंग रिवर, और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ गोट्रोक्स, गोट्रोक वहाँ पे एक पहाड़ का नाम है, उसके पास में एक झील है तो जिसे गोट्रोक कहा जाता है। द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक, तो जब कभी भी मैं पानी के अंदर कदम रखता था, चाहे मैं किसी झील में रख रहा हूँ या टाइटन में या बम्पिंग रिवर में मैं कदम रखता था, मेरा वो जो डर जो था, जिसने मुझे सीज किया हुआ था, जिसने मुझे जकड़ा हुआ था, ग्रैब का मतलब जकड़ा हुआ था, मी इन द पूल वुड कम बैक, वो वापस लौट आता था। यहाँ पे देखिए हमारा जो राइटर है वो पानी से इतना ज़्यादा डर गया कि जब कभी उसको नदियों के पास जाने का मौका मिलता, या पहाड़ों में, या जैसे उसको झीलों में जाने का मौका मिलता, तो उसका वो का वो डर लौट आता था। आगे देखिए, इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कंप्लीटली, इसने मुझे पूर्ण रूप से कब्जे में कर रखा था। पोजेशन का मतलब होता है कब्जा, तो यहाँ पे जो हमारा राइटर है वो पूर्ण रूप से डर के कब्जे में है। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, आइसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और मेरी जब भी मैं पानी के अंदर जाता था या जब भी पानी के नज़दीक में जाता था, तो मेरी जो टांगे जो थी वो लकवा मार जाती थी। पैरालाइज का मतलब था लकवा मारना, और एक आइसी हॉरर, एक आइसी का मतलब बर्फ यानी जमा देने वाला, हॉरर, हॉरर यानी डर, एक जमा देने वाला डर, वुड ग्रैब माई हार्ट, उसने मेरे हृदय को जकड़ा हुआ था। ग्रैब का मतलब पकड़ना या जकड़ना। देखिए, दिस हैंडीकैप, और ये जो हैंडीकैप जो था मेरे अंदर, ये जो विकलांगता थी, अब एक तरह से एक उसमें जो फोबिया जो पैदा हो गया था, यहाँ पे हम हैंडीकैप को मान सकते हैं कि एक तरह से उसकी वीकनेस या विकलांगता, उसकी फोबिया को ही एक तरह से हम हैंडीकैप का रूप दे सकते हैं, कि मेरी ये जो विकलांगता या कमजोरी जो थी, या मेरा ये जो फोबिया था, स्टेड मी विद मी एज द ईयर्स रोल बाय। रोल बाय का मतलब जैसे जैसे साल बीतते गए मेरे अंदर से ये हटा नहीं, वैसे के वैसा ही ये जो डर था वो मुझ में जमा रहा। इट कैनोज ऑन मेन लेक्स, इन कैनोज ऑन मेन लेक्स, मेन एक वहाँ पे जगह का नाम है, वहाँ पे एक झील है, उस जगह के नाम पे ही उसे मेन लेक कहा जाता है। फिशिंग फॉर लैंड लॉक सालमन, जब जहाँ पे वो लैंड लॉक सालमन के लिए फिशिंग किया करता था, बास फिशिंग, देखिए ये सब फिश के नाम है, सैलमन है, बास है, ट्रॉट है, ये सारी की सारी मछलियों के नाम है, और ये जो डेसिचुजेट्स है, मेटोलिस है, हेमिस्फेयर है, ये सब जगहों के नाम है और नदियों के नाम है।
तो देखिए मैंने नीचे लिखा भी है कि ये सब नदियां हैं और ये सैलमन बैस ट्रॉट ये सारी मछलियों के नाम है। तो वहाँ कह रहा है कि चाहे मैं सैलमन की फ़िशिंग के लिए गया, चाहे मैं बॉस की फ़िशिंग के लिए गया या ट्रॉट की फ़िशिंग के लिए गया, सब जगह और फिशिंग फॉर सैलमन ऑन कोलंबिया, चाहे मैं कोलंबिया रिवर के अंदर सैलमन की सैलमन जो मछली होती है उसकी फ़िशिंग के लिए मैं गया, या फिर एट बम्पिंग लेक इन कैस्केड्स, झरनों में गया, झीलों में गया, जहाँ कहीं भी मैं गया ये जो डर था मेरे अंदर मौजूद ही रहा। ये देखिए इसको बोलते हैं कैनोइंग, एक छोटी सी नाव होती है जिसमें सिर्फ सिंगल आदमी ही बैठ सकता है और इसकी रेस वगैरह भी होती है, इसे कैनोइंग कहा जाता है। आगे देखिए, अब ये बास फिशिंग है, बास फिशिंग वहाँ पे विदेश अमेरिका में बड़ी फेमस है। ये गेम फिश होता है, मतलब एक तरह से खेल होता है, मछली पकड़ने की एक प्रतियोगिता होती है। इसको जनरली ये गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ होता है कि आप जाके बास फिशिंग कर सकते हैं वहाँ की रिवर्स में। वेर एवर आई वेंट, जहाँ कहीं मैं गया, द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी। हॉन्टिंग का मतलब डरावना, और जहाँ कहीं मैं गया ये जो डरावना डर जो था इसने मेरा पीछा किया। फॉलोड मी का मतलब इसने मेरा पीछा किया। इट रूम्ड माई फिशिंग ट्रिप्स, इसने रूम्ड का मतलब बर्बाद कर दी, इसने मेरी सारी जो फिशिंग जो ट्रिप्स जो थी वो सारी की सारी फिशिंग ट्रिप्स, क्यों, वो चला तो जाता था उनके साथ में लेकिन वो पानी के नज़दीक नहीं जाता था। उससे क्या हुआ कि उसकी जो सारी फिशिंग जो ट्रिप्स थी वो सारी की सारी बर्बाद हो गई। इसने डिप्राइव्ड रखा, डिप्राइव्ड का मतलब वंचित रखा मुझे। किस चीज़ से वंचित रखा? इसने मुझे कैनोइंग के जोय से, यानी कि अभी मैंने आपको बताया था कैनोइंग क्या होती है, ये कैनोइंग होती है, कैनोइंग के जोय से मुझे वंचित रखा, फिशिंग के जोय से मुझे वंचित रखा, और साथ बोटिंग के जोय से वंचित रखा, और स्विमिंग के जोय से मुझे वंचित रखा। यानी कि न तो वो बोटिंग करता था, न वो कैनोइंग करता था, और ना ही वो स्विमिंग करता था। सारे के सारे जो उसके जो मज़े थे जो उसने उस डर ने छीन लिए थे। आई यूज एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, और इस डर से उबरने के लिए जितने भी तरीके मैं जानता था, इस डर से ओवरकम का मतलब होता है उबरना, इस डर से उबरने के लिए जितने भी एवरी वे आई न्यू, जितने भी तरीके मैं जानता था वो सारे के सारे तरीके मैंने आजमा लिए थे। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, इसने मुझे अपनी जकड़ में बहुत ही मजबूती से पकड़ रखा था। ये जो डर जो था, पानी का जो डर था, इसने बड़ी मजबूती से मुझे पकड़ रखा था। फाइनली 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर की बात है, आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर। तो इंस्ट्रक्टर मीन्स टीचर, तो मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं एक इंस्ट्रक्टर की मदद लूँगा, या एक टीचर की, या स्विमिंग टीचर की मैं मदद लूँगा। स्विमिंग टीचर की मदद से ही अब मैं स्विमिंग सीख सकता हूँ, एंड लर्न टू स्विम। मैंने ये किया कि मैं स्विमिंग जो टीचर है उसकी मदद से अब मैं फिर स्विमिंग करना सीखूँगा। आगे, आई वेंट टू ए पूल, मैं वहाँ पे एक पूल था, मैं पूल पे गया, काफ़ी पूल होते हैं विदेशों में, तो आई वेंट टू ए पूल, मैं एक पूल स्विमिंग पूल पे गया, एंड प्रैक्टिस 5 days a week, और हफ्ते में 5 दिन मैं प्रैक्टिस करता, एन आवर ईच डे, रोजाना 1 घंटा। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, इंस्ट्रक्टर क्या करता था कि मेरे चारों तरफ एक बेल्ट बांध देता था। तो देखिए इस पिक्चर में इसके चारों तरफ एक बेल्ट बांधी हुई है, ये देखिए, और ऐसा जो इंस्ट्रक्टर ने कुछ ऐसा जुगाड़ बना दिया था कि ऊपर तो एक ओवरहेड केबल, ये देखिए ये जो दिख रही है आपको, ये ओवरहेड केबल है, ये देखिए ये ओवरहेड केबल है, और ये एक रोप है, रोप ये नीचे बेल्ट से बंधी हुई है, ये बेल्ट से बंध के ये इस पुली से होते हुए और इस केबल पे जा रही है। तो इंस्ट्रक्टर क्या करता था कि इस रस्सी को पकड़ के खींचता था और उसको फिर धीरे धीरे ढीला छोड़ता था जब वो पानी में जाता था। तो ऐसा कुछ उसने, इस इंस्ट्रक्टर ने ऐसा कुछ जुगाड़ बनाया था। ये देखिए ये पुली है, इसे पुली कहा जाता है, आपने जनरली कई कुओं पे देखी होगी इस पुली को कुछ खींचने के लिए। ए रोप अटैच टू द बेल्ट, एक रोप को बेल्ट से अटैच किया गया था, अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू ए पुली, एक पुली से उसको गुजारा गया, दैट रैन ऑन ए ओवरहेड केबल। ओवरहेड का मतलब सिर के ऊपर एक केबल थी जो बिल्कुल आर पार थी, जैसे सपोज ये स्विमिंग पूल है तो इसमें पूरे के ऊपर एक ओवरहेड केबल डाली हुई थी। ओवरहेड केबल, ही हैड
ही हेल्ड ऑन द एंड ऑफ द रोप, वो क्या करता था, रस्सी के कोने को पकड़ लिया करता था। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, फिर वो मुझे आगे और पीछे लेके जाया करता था। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ एंड बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल, यानी कि पूरे पुल को पार करके आगे पीछे उस पुली के ऊपर या उस केबल के ऊपर उस पुली से उसको ले जाया करता था। आवर आफ्टर आवर, घंटों बीत गए, घंटे के बाद घंटे, दिनों के बाद दिन और सप्ताह के बाद सप्ताह, यानी कि घंटों घंटे बीत गए, दिन कई दिन बीत गए, कई ऐसा करते करते कई सप्ताह बीत गए। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पुल ए बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, और जब भी उस पुल की कोई हर ट्रिप के ऊपर वो जो मेरा डर जो था वो मुझे जकड़ के रखता था, यानी कि उसका डर अब इंस्ट्रक्टर की उसमें सीख रहा है फिर भी उसका डर गया नहीं था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स हिज होल्ड ऑन द रोप, और जैसे ही इंस्ट्रक्टर जो अपनी रस्सी को छोड़ता था, आई वेंट अंडर, और जब मैं पानी के अंदर जाता था, सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज, तो वही पुराना जो डर जो था उसका कुछ भाग वापस लौट आता था और जो मेरी जो टांगे थी वो जम जाती थी, फ्रोज का मतलब जम जाती थी या काम करना बंद कर देती, यानी कि जैसे ही वो पानी के अंदर जाता था तो उसके हाथ पैर काम करना बंद कर देते थे। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, और उस पूरी टेंशन को कम होने में कितने दिन लगे, 3 महीने। 3 महीने में जाकर उसका थोड़ा ये टेंशन थोड़ा सा कम हुआ। स्लैक का मतलब रिड्यूस, स्लैक मीन्स होता है रिड्यूस, रिड्यूस यानी कम करना। तो 3 महीने लगे मुझे उसको डर को कम करने में। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल, फिर उसने मुझे क्या सिखाया कि पानी के अंदर जाओ सांस छोड़ो, फिर पानी से बाहर आओ सांस लो, फिर अंदर जाओ छोड़ो, फिर बाहर आओ लो, फिर अंदर जाओ, तो ऐसे करके उसने मुझे पानी के अंदर जाकर सांस छोड़ना और पानी से बाहर आकर सांस लेना सिखाया। आगे देखिए, ये देखिए, ये इस टेक्निक से कि बाहर आओ सांस लो और अंदर जाओ सांस छोड़ो। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम, मैंने सैकड़ों बार इस एक्सरसाइज को दोहराया, मतलब रोजाना वो सैकड़ों बार इस एक्सरसाइज को दोहराता था। तो देखिए स्विमिंग इंस्ट्रक्टर ने कौन कौन से फॉर्मूले अपनाए, एक तो उसने ओवरहेड केबल से पुली लगा के और रस्सी और बेल्ट बांध के उसको तैरना सिखाया। दूसरा उसने क्या किया कि इस एक्सरसाइज को इनहेल और एक्सहेल की जो एक्सरसाइज थी कि उसको बार बार रिपीट कराया। और अब वो क्या कर रहा है कि बिट बाय बिट थोड़ा थोड़ा करके आई शेड, शेड का मतलब मैंने गिरा दिया, शेड भी मैंने गिरा दिया, किसको, मेरे पैनिक को, ये जो डर जो था उसको मैंने थोड़ा थोड़ा करके कम करना शुरू कर दिया, यानी गिरा दिया, यानी मैंने थोड़ा थोड़ा मेरा डर धीरे धीरे कम गया। दैट सीज्ड मी, जो मुझे जकड़ लेता था, व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर, जब मेरा सिर पानी के अंदर जाता था तब ये डर मुझे जकड़ लेता था, उस डर को मैंने थोड़ा थोड़ा करके और गिरा दिया। आगे देखिए, अब फिर उसने तीसरी प्रैक्टिस क्या करवाई कि नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पुल, वो मुझे क्या करता था, देखिए आप इसमें आप देखिए इस पिक्चर में कि ये उसको क्या बता रहा है कि भाई यहाँ से पुल को पकड़ लो और फिर अपनी टांगों को चलाओ। तो वो मुझे क्या करता था कि नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पुल, वो मुझे पुल के साइड को पकड़वा देता था एंड हेड मी किक विद माई लेग्स, और मुझसे कहता था कि अब लात मारो, अब किक मारो, और मैं घंटों तक, फॉर वीक्स, कई सप्ताह तक आई डिड जस्ट दैट, मैंने केवल यही किया कि मैं साइड को पकड़कर और हाथ मतलब पैर चलाने की कोशिश करने लगा। एट फर्स्ट माई लेग रिफ्यूज टू वर्क, शुरू में तो मेरी टांगों ने काम करने से मना कर दिया, यानी कि शुरू में जब मैं पकड़ के पैर चलाने की कोशिश करता था तो मेरी टांगों ने रिफ्यूज कर दिया, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, लेकिन धीरे धीरे वो रिलैक्स हुई, मेरी जो टांगे जो थी वो ग्रेजुअली का मतलब स्लोली या कंटिन्यूसली, तो धीरे धीरे मैं कंटिन्यूसली इस काम को करता गया, तो ग्रेजुअली का मतलब स्लोली रिलैक्स हुई एंड फाइनली और आखिरकार आई कुड कमांड देम, मेरी उस पे कमांड हो गई या मैंने उसको पार पा लिया या उसको मैंने अपने अधिकार में ले लिया। दस और इस प्रकार पीस बाय पीस यानी टुकड़ों में ही बिल्ट ए स्विमर, उसने मुझे एक तैराक बना दिया। टुकड़ों मतलब पहला टुकड़ा क्या था, केबल से सिखाना, दूसरा टुकड़ा क्या था, सांस अंदर लेना बाहर, और तीसरा पैर चलाना। तो उसने मुझे टुकड़ों टुकड़ों में एक तैराक बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्ट
व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उसने हर पीस में हर टुकड़े को जब परफेक्ट कर दिया, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, फिर उसने सारे टुकड़ों को जोड़ के एक इंटीग्रेटेड होल बना दिया। इन अप्रैल, और अप्रैल के महीने में ही सैड, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम इस लायक हो गए हो कि अब तुम तैर सकते हो, डाइव ऑफ, कूद जाओ। डाइव ऑफ का मतलब स्विमिंग पूल में कूदना है ऊंचाई से कहीं पानी में, उसको डाइव मारना बोलते हैं ना जिसको, डाइव ऑफ एंड स्विम, और तैरो द लेंथ ऑफ द पूल, पूरी लेंथ, पूल की पूरी लंबाई में तैरो। और कौन सी विधि से तैरना है, क्रॉल स्ट्रोक। अब क्रॉल स्ट्रोक क्या होता है, जब पानी के अंदर ही अंदर आप पानी को काट के जैसे रेंगते हैं उस प्रकार आगे बढ़ते हैं, उसे क्रॉल स्ट्रोक कहा जाता है। ये देखिए क्रॉल स्ट्रोक। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड क्रॉल स्ट्रोक, आई डिडंट, आई डिड, और जैसे मेरे इंस्ट्रक्टर ने कहा था वैसे मैंने किया। अब द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, जो इंस्ट्रक्टर था उसका काम खत्म हो चुका था, यानी कि इंस्ट्रक्टर ने मुझे तैरना सिखा दिया था, क्योंकि मैं इंस्ट्रक्टर के सामने पूरा स्विमिंग पूल तैर के उसको दिखा दिया था, तो अब इंस्ट्रक्टर का काम खत्म हो चुका था। ये देखिए, बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, भाई इंस्ट्रक्टर का काम तो खत्म हो गया था लेकिन मेरा काम खत्म नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन, अभी भी मुझे लगता था कि हो सकता है कि मेरा जो, मैं अभी भी डरा हुआ हूँ या नहीं हूँ। वेन आई वॉज अलोन इन द पूल, कि जब मैं पूल में अलोन हूँ या अकेला होता हूँ तभी भी मैं डरा हुआ होता हूँ या नहीं होता। फिर मैंने क्या किया, आई ट्राइड इट, मैंने इसका प्रयास किया। आई स्वाम द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने उसकी जो लेंथ है स्विमिंग पूल की पूरी लेंथ को अप एंड डाउन, यानी कि आना और जाना तैरकर मैंने किया। और टाइनी वेस्टिजेजेस, और उसके जो छोटे छोटे जो अंश हैं ऑफ द ओल्ड टेरर, उस पुराने डर के, वुड रिटर्न, वो लौट आए। फिर उसने सोचा कि भाई एक बार और मैं कोशिश करता हूँ, तो जब उसने ऐसी कोशिश की तो उसका वो जो पुराना जो डर था वो लौटा, थोड़े कुछ कुछ अंश उसके लौट आए। ये देखिए जो हमारा राइटर है वो पूरा स्विमिंग पूल को तैर के पार कर रहा है, बट लेकिन जब वो डर लौटा, आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट टेरर, अब मैं, फ्रॉन का मतलब था त्योरी चढ़ाना। देखिए ये पिक्चर देखिए आप, इसको बोलते हैं फ्रॉनिंग, इसे इंग्लिश में फ्रोनिंग कहा जाता है। फ्रोनिंग, फ्रोनिंग का मतलब त्योरियां चढ़ाना, मतलब नाक को ऐसे अंदर घुसेड़ के और आंखों के ऊपर ऐसे, दिस इज कॉल्ड फ्रोनिंग। तो मैंने क्या किया कि अपनी त्योरी चढ़ाई, फ्रोनिंग की, और क्या बोला मैं उससे, आई कुड से दैट, ट्राइंग टू स्केयर मी, अच्छा मुझे डरा रहा है। तो मैंने डर से क्या कहा, भैया डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू पियो, डर के आगे जीत है। तो मैंने उससे कहा कि भैया डर के आगे जीत है, ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। वेल हेयर इज टू यू, ये देख तेरे लिए, लुक, देखो, एंड ऑफ आई गो टू अनदर लेंथ ऑफ द पूल। और फिर मैं वापस कूद गया और मैंने एक बार पूरी लंबाई के साथ उस स्विमिंग पूल को तैर के पार किया। This is called frowning. This went on until July. और ये कब तक चला, भाई अप्रैल में इंस्ट्रक्टर से फ्री हो गया था तो ये चला जुलाई तक। कब तक चला, जुलाई तक ये चला। It went on until July, but I was still not satisfied. भाई जुलाई तक, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, चार महीने हो गए थे लगातार तैरते हुए, लेकिन अभी भी मैं क्या नहीं था, सेटिस्फाइड नहीं था। I was not sure, यहाँ पे राइटर अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है, उसको अभी भी लग रहा है कि ये डर लौट सकता है। I was not sure that all the terror had left, और मैं अभी श्योर नहीं था, राइटर अभी श्योर नहीं था कि उसका जो टेरर है वो गया है या नहीं गया। So I went to Lake Wentworth, तो मैं लेक वेंटवर्थ गया इन न्यू हेमिस्फेयर। न्यू हेमिस्फेयर वहाँ पे एक कस्बा है, वो सॉरी एक राज्य है, वहाँ पे एक झील है, उसका नाम है लेक वेंटवर्थ गया। डाइड ऑफ ए डॉक एट ट्रिग आइलैंड, और देखिए ये वो जगह है ट्रिग आइलैंड के पास, ये यहाँ से इसने डाई मारी, जो हमारा राइटर है, इसने यहाँ से डाइव ऑफ किया, कहाँ से, उस झील के अंदर एक आइलैंड है उसका नाम है ट्रिग आइलैंड, ट्रिग आइलैंड से उसने जंप मारी एंड स्वाम 2 miles, कितना तैरा, 2 मील तैर के वो लेक, वहाँ पे स्टैम्प एक्ट आइलैंड है वहाँ तक वो तैर कर गया।
यानी कि उस ये जो स्टैम्प है क्रागे आइलैंड भी उसी झील में ही है, यानी कि एक लेक है, ये लेक है, लेक में ये दो आइलैंड है, तो एक आइलैंड से जंप मारी और तैर कर दूसरे आइलैंड तक गया। तो दूसरे दोनों जहां से जंप मारी उस आइलैंड का नाम तो है ट्रिग आइलैंड, और जहां तक पहुंचा वो है स्टैम्पबैक आइलैंड। ये देखिए वो जगह है, ये ट्रिग आइलैंड है और ये लेक वेंटवर्थ है। आई स्वाम द क्रोल, फिर वहां पे उसने सारी टेक्निक से तैरा, क्रोल स्ट्रोक से भी, ये सारी टेक्निक्स होती है। क्रोल कहने के रैंग कर तैरना उसको बोलते हैं, क्रोल स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक मतलब सीना, देखिए ये ब्रेस्ट स्ट्रोक है, सबके पीछे लगाए हुए हैं। जब आप सीने के स्ट्रोक देते हुए तैरते हो, अपने सीने से पानी हटा के और फिर आगे बढ़ते हो, उसे ब्रेस्ट स्ट्रोक कहा जाता है। साइड स्ट्रोक का मतलब, जब ये देखिए ये वाला जो पिक्चर है, ये जो पिक्चर है ये साइड स्ट्रोक का है, और ये जो पिक्चर है ये ब्रेस्ट स्ट्रोक का है, और ये बैक स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक का मतलब उल्टा उल्टा तैरना, ये जो पिक्चर है ये बैक स्ट्रोक का है, और ये जो है वो नीचे क्रोल स्ट्रोक का है। और ये देखिए कुछ और स्ट्रोक है, ये बटरफ्लाई स्ट्रोक है, ये फ्री स्टाइल है, ये बैक स्ट्रोक, ये ब्रेस्ट स्ट्रोक, ये सब तैरने के तरीके हैं। इसके बारे में आप ज्यादा इंटरनेट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, अब सिर्फ एक बार वो डर लौटा, केवल एक बार वो डर लौट कर आया, एक बार वो डर सिर्फ लौटा। कब लौटा? वेन आई वॉज इन द मिडिल ऑफ द लेक, जब मैं लेक के बिल्कुल बीचों बीच था। आई पुट माई फेस अंडर, मैंने पानी के अंदर अपना फेस डाला, एंड शा और देखा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, कुछ नहीं बॉटमलेस, यानी कि उस पानी का कोई पैंदा ही नहीं था, मतलब वो झील इतनी गहरी थी कि उसका पैंदा महसूस ही नहीं हो रहा था कि वो कितना गहरी है। तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ बॉटमलेस वाटर दिखाई दे रहा था। उस वक्त उसका वो डर लौट कर आ गया। आगे देखिए, द ओल्ड सेंसेशन, और वो उसकी जो पुरानी जो सेंसेशन थी, पुरानी जो सनसनी थी, रिटर्न इन मिनिएचर, वो थोड़ी सी लौट आई, ज्यादा नहीं लौटी लेकिन थोड़ी सी पुरानी जो सनसनी थी वो उसमें लौट आई। फिर क्या हुआ? आई लाफ्ड। देखिए कभी भी समस्या आए तो इंसान को उसको हंसते हंसते उसका सामना करना चाहिए। तो हमारे राइटर ने भी उसका हंसते हंसते सामना किया कि आई लाफ्ड, मैं हंसा एंड सैड और बोला, वेल मिस्टर टेरर, अरे श्रीमान टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, तुम क्या सोचते हो तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। और जब जैसे ही मैंने ऐसे कहा, इट फ्लेड, वो डर भाग गया, एंड आई स्वैम ऑन, और मैंने तैरना जारी रखा। येट आई हैज रेजिडुअल डाउट, अभी भी रेजिडुअल का मतलब अवशिष्ट, अभी भी मुझे थोड़ा थोड़ा मतलब ये डाउट था। रेजिडुअल का मतलब होता है कि किसी चीज के रिमेन्स होते हैं ना, जैसे अवशेष जो होते हैं, जैसे आदमी मर जाता है तो उसके अवशेष रह जाते हैं ना, उनको रेजिडुअल्स कहा जाता है। जैसे उसको आदमी को मरते ही चिता में जला देते हैं तो उसके जो फूल वूल बचते हैं उसे अवशेष कहते हैं। तो कुछ अवशेष अभी भी उस, वो भी डाउट के, डर के नहीं, डाउट के अवशेष मुझ में अंदर थे। एट फर्स्ट आई अपॉर्चुनिटी आई हैड हरीड वरीज, तो फिर मैंने क्या किया कि भाई मैंने ये डिसाइड किया कि मैं जितना ज़्यादा मैं तैरूंगा उतना ही मेरा ये डर खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, आई हरीड वेस्ट, तो मैं जल्दी से वेस्ट की तरफ गया, पश्चिमी अमेरिका की तरफ गया। वेंट अप टू टाइटन टू कॉन्ड्रेड मिडो, टाइटन से लेकर कॉन्ड्रेड मिडो तक तैरा मैं, टाइटन से लेकर कॉन्ड्रेड मिडो तक तैरा। कॉन्ड्रेड मिडो क्या है? वहाँ पे ग्रास लैंड है, घास के मैदान है, वहाँ तक मैं तैर कर गया। अप टू द कॉन्क्रीट क्रील टू मिएड ग्लेशियर, और कॉन्क्रीट क्रील ट्रेल से लेकर मिएड ग्लेशियर, ये सब अमेरिका में जो जगह हैं, कोई माउंटेन पीक है, कोई रिवर है, तो क्रीक ट्रेल से लेके मिएड ग्लेशियर तक गया। एंड कैम्ड इन द हाई मिडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, और गर्म लेक के साइड में मैंने कैंपिंग की। देखिए इसको बोलते हैं कैंपिंग, जब आप नदी के किनारे टेंट लगाकर रहते हैं, झील के किनारे वहीं पे खाना बनाते हैं, खाते हैं, मौज करते हैं, इसे कैंपिंग कहा जाता है। तो उसने क्या किया कि हाई मिडो में जब उसने कैंपिंग, वार्म लेक जो है वहाँ पर, उसके हाई मिडोज में उसने कैंपिंग की, तो उसने जगह जगह जाकर ट्राई किया कि कहीं मेरा डर लौटता है या नहीं लौटता। तो ये देखिए वो सब खूबसूरत जगह है जहां पे राइटर गया था। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह क्या हुआ?
आई स्ट्रिप्ड, स्ट्रिप्ड का मतलब होता है मैंने अपने कपड़े उतार दिए, स्ट्रिप्ड का मतलब होता है कपड़े उतारना, आई स्ट्रिप्ड यानी कि पुट ऑफ क्लॉथ, डाइव्ड इन टू द लेक और मैं झील के अंदर मैं कूद गया, डाइव मारी मैंने, एंड स्वाम अक्रॉस टू द अदर शोर और तैर कर दूसरे किनारे तक गया एंड बैक और फिर वहां से मैं लौट कर आया, जस्ट एज डॉग कॉर्पन यूज टू, और मैंने वैसा ही किया जैसा डॉग कॉर्पन किया करता था। अभी डॉग कॉर्पन कौन है? डॉग कॉर्पन जो है वो अमेरिका का एक मशहूर तैराक है। तो मैंने वैसे ही किया जैसे डॉग कॉर्पन किया करता था। फिर क्या हुआ? अब उसको ये बिल्कुल कन्फर्म हो गया था कि मेरा जो डर है वाटर का वो पूरा निकल गया है, तो वो खुशी से चिल्लाया, जो हमारा राइटर है, आई शाउटेड विद जॉय, वो खुशी से चिल्लाता है। और फिर क्या होता है साहब, एंड गिल्बर्ट पार्क पीक जो थी वहाँ पे, एक गिल्बर्ट चोटी जो थी वहाँ से उसकी आवाज़ टकरा कर वापस आई, यानी कि उसकी जो खुशी की जो आवाज़ जो थी, इको जो थी, वो टकरा कर कहाँ से आई? गिल्बर्ट पीक से टकरा कर वापस आई। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, और मैं अपने पानी के जो डर जो था उसे मैं पूर्ण रूप से जीत चुका था, यानी कि अब मेरे अंदर लेश मात्र भी डर नहीं था पानी का। आगे देखिए, ये वो गिल्बर्ट पीक है जहाँ से टकरा कर हमारे जो राइटर है उसकी आवाज़ वापस लौटी थी। देखिए कितनी सुंदर है, ये याकमा इंडियन रिजर्व एंड याकमा काउंटी में है ये, और ये काफ़ी फेमस जगह है, यहाँ पे बहुत लोग घूमने के लिए आते हैं। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग टू मी, और ये जो एक्सपीरियंस था मेरा तैराकी जो सीखने का या स्विमिंग सीखने का, भाई देखो स्विमिंग सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसको पानी के अंदर पैर रखते ही उसके पैर जम जाते हों, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर पानी का इतना डर था कि वो झरने में भी नहीं नहा पा रहा था, उस व्यक्ति के लिए एक इतना बड़ा तैराक बनना ये उसके लिए मीनिंग रखता था। क्यों? क्योंकि देखिए तैरते बहुत लोग हैं, बहुत लोग तैरना सीखते भी हैं, लेकिन अपने डर को जीत कर उस व्यक्ति ने इतना महान काम किया था, क्योंकि एज ओनली दो ये, और उसकी इस भावना को कौन समझ सकता था? केवल वही समझ सकता था, एज ओनली दोज हु कैन हु हैव नॉन स्टार टेरर एंड कंकर्ड इट कैन अप्रिशिएट, और जिसने इतने बड़े भय का सामना किया हो उसे जीता हो वही मेरी मुझे मेरी प्रशंसा कर सकता है या मुझे मेरे इस काम को अप्रिशिएट कर सकता है कि मेरी नज़र में ये काम मेरे लिए कितना मायने रखता था, कितना महान काम था। एट लास्ट, और आखिरकार, आई फेल्ट रिलीज्ड, मैंने थोड़ा अपने आप को रिलीज यानी आराम में महसूस किया, आश्वस्त महसूस किया कि चलो जो अपना जो पानी का जो डर था वो ख़त्म हो चुका था। आई फेल्ट रिलीज्ड, मैंने अपने आप को रिलीज महसूस किया, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, अब मैं उन पगडंडियों पे चल सकता था, एंड क्लाइंब द पीक्स, और चोटियों पे चढ़ सकता था, एंड टू ब्रश असाइड फियर, क्योंकि मैंने क्या कर लिया था कि अपने डर को एक तरफ रख दिया था, डर को एक तरफ से हटा दिया था, इसलिए मैं इन सब जगहों पर फियरलेसली यानी बिना डरे जा सकता था। इसी के साथ ये जो हमारा चैप्टर है समाप्त होता है, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और अगर ये पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।